लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे मिर्गी के दौरे पड़ने पर नजर आते हैं ये पांच संकेत। मैं आपको बता रहा हूं कि कब आपको डॉक्टर को दिखाना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एपिलेप्सी होने पर व्यक्ति को मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्या होने पर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। ये समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है, किसी के साथी की भी हो सकती है और किसी भी बैकग्राउंड से जुड़े व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है। इससे पहले हमें ये जानें कि मिर्गी के दौरे पड़ने पर किस तरह के लक्षण नजर आते हैं, उसके होने की मुख्य वजह जान लेते हैं। हमारे ब्रेन में कई तरह की नर्व सेल्स होती हैं जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के जरिए कम्युनिकेट करती हैं। मिर्गी के दौरे तब पड़ते हैं जब ब्रेन के एक या इससे ज़्यादा हिस्सों में असामान्य इलेक्ट्रिकल संकेतों का विस्फोट होता है। ध्यान रखें कि ब्रेन में मौजूद नर्व सेल्स को जो भी चीज़ बाधित करती है वह दौरे का कारण बन सकती है। इसमें बुखार, लो ब्लड प्रेशर आदि की ड्रग्स आदि की लत जिम्मेदार हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि दौरे पड़ने से पहले किस तरह के लक्षण नजर आते हैं। मिर्गी के दौरे पड़ने के संकेत: बॉडी मूवमेंट का बदलना। मिर्गी के दौरे पड़ने से पहले व्यक्ति की बॉडी मूवमेंट बदलती है। उनकी बॉडी अकड़ने लगती है, बॉडी ट्विच होने लगती है और शरीर में जर्किंग होने लगती है। मिर्गियाँ आने पर सबसे पहले इसी तरह की दिक्कतें होती हैं। सांस लेने में दिक्कत: जिस व्यक्ति को मिर्गी के दौरे पड़ने होते हैं या पड़ने वाले होते हैं तो ये देखने में आया है कि मिर्गी के दौरे पड़ने पर कुछ क्षणों के लिए व्यक्ति की सांस नहीं ले पाता है और पूरी तरह से अपने होश खो बैठता है। बॉडी पर कंट्रोल खो देना: मिर्गी के दौरे पड़ने के दौरान व्यक्ति अपनी बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल खो देता है। इसका मतलब है कि दौरा पड़ने पर व्यक्ति का पेशाब निकल जाता है और बाउल मूवमेंट भी उसके अपने कंट्रोल में नहीं होता है। इस स्थिति में मरीज कुछ नहीं कर पाता है। अचानक गिर जाना: दौरे पड़ने पर व्यक्ति ना सिर्फ बॉडी पर कंट्रोल खो देता है बल्कि उसका बैलेंस भी बिगड़ जाता है। यहाँ तक कि दौरे के दौरान व्यक्ति अचानक जमीन पर गिर जाता है और वह खुद को संभाल भी नहीं पाता है। यह स्थिति मरीज के बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होती है। दौरे पड़ने के दौरान व्यक्ति चीजों को उस तरह से नहीं देखता है जैसे सामान्य या हेल्दी लोग देखते हैं या सुनते हैं। उन्हें घंटी बजने की आवाज़ें आती हैं और कुछ लोगों को अधिक कॉम्प्लेक्स साउंड सुनाई देता है। मिर्गी के दौरे पड़ने पर कई अन्य लक्षण भी नज़र आ सकते हैं जैसे दौरे के दौरान मुंह से लार निकलना और इसे कंट्रोल ना कर पाना, ओंठों का फड़फड़ाना और बार बार एक ही एक्ट का रिपीट होना। अगर मिर्गी के दौरान व्यक्ति की बॉडी कांप रही है तो कुछ देर तक ऐसा ही होता रहेगा। आपको बता दें कि मिर्गी के दौरे पड़ने पर हर व्यक्ति में अलग अलग लक्षण नजर आ सकते हैं। यहाँ मैंने जो लक्षण बताए हैं इनके आधार पर किसी की मिर्गी की समस्या को समझना सही नहीं होगा। अगर परिवार में पहले किसी को इस तरह की परेशानी है तो बेहतर है कि आप इस संबंध में जागरूक बने और अपने डॉक्टर की सलाह लें। अगर घर में किसी को मिर्गी के दौरे पड़ने की समस्या है तो उसे भी नियमित रूप से चेकअप करवाएं और हमेशा उसकी केयर करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।